गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लाइट। देखिए थर्ड लाइट में क्या क्या है, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया। थर्ड लाइट आपके जो होते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यकीन मानिए आपके जितने भी डाउट्स हैं थर्ड लाइट्स के सारे क्लियर हो जाएंगे। प्लीज स्किप मत कीजिएगा, आप इसको देखिए एक बार। थर्ड लाइट्स जो होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के मूवमेंट के आधार पर, ये आपका हो गया ट्रांजिस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन ट्रांजिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांजिस्ट और नॉन ट्रांजिस्ट, ट्रांजिस्ट में फ़र्क क्या होता है, जो ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट होता है वो क्या कर सकता है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। कहने का मतलब ये आपका टेलीस्कोप लगा होता है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो इसमें क्या करता है, ये रोटेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट हो गया, ठीक। नॉन ट्रांजिस्ट क्या होगा कि अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, वो रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नॉन ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट हो गया। और इस टाइप के थर्डोलाइट अब बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गए हैं और कहीं भी यूज नहीं किए जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के आधार पे दो हैं आपके, एक आपका है बर्नियर और दूसरा है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। एक में क्या होता है, बर्नियर लगा होता है, दूसरे में क्या लगा होता है, माइक्रोमीटर लगा होता है। बर्नियर में क्या होता है, बर्नियर में एक बर्नियर स्केल होता है, ठीक, जो कि रीडिंग को शो करता है, ठीक। जो जिसमें बर्नियर लगा होता है उसका लिस्ट काउंट होता है आपको 22nd, ठीक, 22nd है तो यानी कि एक्यूरेट है ये। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जो लगा होता है उसकी लिस्ट काउंट जो होती है 1 सेकंड होती है। कहने का मतलब है कि इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, इससे इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपका होगा माइक्रोमीटर। क्यों एक्यूरेट होगा, क्योंकि जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, ठीक, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कहने का मतलब, लिस्ट काउंट का मतलब फ्रेंड समझ लीजिए आप, कि जो लिस्ट काउंट होगा वो आपका क्या होगा, कि जितना कम से कम मेज़र आप कर सकते हैं, ठीक, जितना कम से कम मेज़र कर पाएंगे। जैसे कि इसमें आप 1 सेकंड तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक, अगर 1 सेकंड तक आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो भी आपका मेज़र हो जाएगा, किसमें, माइक्रोमीटर में। तो ये क्या हो गया, आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड हो गया। अब देखिए थर्डोलाइट, जो हम थर्डोलाइट पढ़ने जा रहे हैं, आपका ये कौन सा थर्डोलाइट पढ़ने जा रहे हैं, आपका थर्डोलाइट है ये ट्रांजिस्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। अब देखिए इसका यूज़ क्या है, इसके माध्यम से जो ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट है, इसके इससे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डिस्टेंस यानी कि एंगल और लेंथ दोनों ही मेजर कर सकते हैं। अगर हमें हमारे पास कोई पॉइंट हो और हम, ठीक, और हम जो है किसी हिल को साइड करें तो वो हिल हमसे कितना दूर है, ठीक, उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसका रिड्यूस्ड लेवल क्या है वो भी निकाल सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि इसके माध्यम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि रिड्यूस्ड लेवल भी मेजर कर सकते हैं। अब देखिए थर्डोलाइट को पहचानेंगे कैसे हम, कि ये जो है थर्डोलाइट कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस थर्डोलाइट को डिजाइनेशन के लिए इसमें एक लोवर प्लेट होती है, इसमें एक लोवर प्लेट होती है जिसका डाया होता है आपका 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। ये जो डाया होता है इसी से, लोवर प्लेट के डाया से, ये आपकी एक लोवर प्लेट होती है। देखिए इसमें ये आप देखिए, ये देखिए प्लेट जो है आपकी लोवर प्लेट, इसे हम कहेंगे लोअर प्लेट। इस लोअर प्लेट के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। ये प्लेट जो है आपकी 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इसमें एक और खासियत होती है, जब ट्रायंगुलेशन वर्क करते हैं तो हमारा क्या करते हैं, तो हम जो डायमीटर यूज़ करते हैं प्लेट्स का, या फिर जो थर्डोलाइट यूज़ करते हैं, वो 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका जो ग्रेजुएटेड सर्कल होगा, ठीक, ग्रेजुएटेड सर्कल कौन सा होगा, जो लोअर प्लेट होगी इसकी, वही इसकी ग्रेजुएटेड सर्कल होगी। जो लोअर प्लेट होगी वो क्या होगा, उस पर ग्रेजुएशंस होंगे लोअर प्लेट पे, कौन सी प्लेट पे, लोअर प्लेट पे आपके ग्रेजुएशंस होंगी, ठीक। उन ग्रेजुएशंस के माध्यम से ही हम रीडिंग लेंगे और उसके माध्यम से ही इसको पहचानेंगे। उस ग्रेजुएशन सर्कल पे नंबर ऑफ रीडिंग जितनी ज़्यादा होंगी, ठीक, उतनी ही एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देख लीजिए थर्डोलाइट्स के पार्ट्स, ठीक, अब इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लीजिए, इसके कितने पार्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, उसके बाद मैं आपको इनके एक एक पार्ट्स के फंक्शन आगे इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। देखिए ये आपका जो है सबसे पहले आप देखिए
दो फिगर दे रखे हैं, ये एक हाथ से बनाया हुआ फिगर है, ये एक नेट से उठाया हुआ फिगर है। ठीक, देखिए पार्ट्स ऑफ थर्डोलाइट में सबसे पहले आपका जो है लेवलिंग हेड असेंबली है। कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इसमें ये लेवलिंग हेड असेंबली दे रखी है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक ही आपकी होती है ट्राइवरेज, ठीक है, और ये नीचे वाली प्लेट जो होती है उसको हम कहते हैं ट्राइवेट। ठीक, इन दोनों प्लेटों को जो कनेक्ट करती हैं वो होते हैं फुट स्क्रू। अच्छा, ये फुट स्क्रू किस काम आते हैं? फुट स्क्रू को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग स्क्रू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से ही हम जो ट्राइपॉड जो हमारी थर्डोलाइट होता है उसको हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं। जब हम लेवल करते हैं तो इन स्क्रूज को क्या करते हैं, अंदर और बाहर मूवमेंट करते हैं। जो दो स्क्रू होते हैं, किन्हीं भी दो स्क्रू को हम एक ही डायरेक्शन में एक बार में अंदर की तरफ घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ये लेवल होता है। जो ट्राइवेट होती है वो किससे जुड़ी होती है, ट्राइपॉड के हेड से जुड़ी होती है। ठीक, जो ट्राइवेच होती है वो ट्राइपॉड के हेड से जुड़ी होती है, और जो आपकी ट्राइवेच होती है वो क्या होती है, लोअर प्लेट। जो लोअर प्लेट है आपकी, देखिए ये आपकी लोअर प्लेट है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए फिगर में, ये लोअर प्लेट है आपकी किससे जुड़ी हुई है, ये आपकी ट्राइवेच, ये आपका यहाँ पर ट्राइवेच प्लेट है। ये ट्रेंगुलर प्लेट होती है, इसमें आपको जो है, आप साइड से देख रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर से देखिए इसे, ये कैसी प्लेट्स हैं, ट्रेंगुलर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है आपका लेवलिंग हेड असेंबली में, इसको बॉटम असेंबली कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लैंपिंग नेट, ये देखिए आपका ये क्लैंपिंग नेट लगा हुआ है इसमें, ये देखिए एक क्लैंपिंग नेट लगा हुआ है। ठीक है, और फुट स्क्रू है, एक शिफ्टिंग हेड होता है, यहाँ पर एक शिफ्टिंग हेड होता है जो कि कहाँ लगा होता है, ये देखिए आप, शिफ्टिंग हेड जो होता है ये आपकी प्लेट है, लोअर प्लेट, लोअर प्लेट के नीचे कहीं लगा होता है यहाँ पर। ये जो है इसमें शो नहीं हो रहा है आपका, नहीं तो मैं आपको पोजीशन बताता, ये लोअर प्लेट के नीचे लगा होता है। इसका काम क्या होता है शिफ्टिंग हेड का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो शिफ्टिंग हेड है वो कहाँ पर लगा होता है, तो शिफ्टिंग हेड जो है लोअर प्लेट के नीचे लगा होता है। और क्या काम होता है भैया इसका, इसका काम ये होता है कि ये जो आपकी है, जब आपका ये जो लोअर प्लेट, लोअर प्लेट और अपर प्लेट दोनों का जब सेंटर को इंसाइड नहीं होता है, तो इस शिफ्टिंग हेड के माध्यम से क्या करते हैं, हम दोनों के सेंटर को इंसाइड करते हैं ताकि ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएं। होता क्या है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं। ठीक, ये आपका जो वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये कहीं यहाँ पर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, इसके माध्यम से ये दो प्लेट होती हैं शिफ्टिंग हेड के, हेड में दो प्लेट होती हैं, तो जो कि एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मूवमेंट करती हैं। जब आपका जो है अपर प्लेट और लोअर प्लेट कोइंसाइड नहीं होती हैं, तो ये क्या करता है आपका, एक हल्का सा स्लाइड करके इन दोनों को कोइंसाइड करने का, यानी कोइंसेंट्रिक, यानी कि एक एक्सिस में लाने का काम करता है। अब देखिए आपका, इसके बाद ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल असेंबली। ये देखिए हॉरिजॉन्टल असेंबली, हॉरिजॉन्टल असेंबली में आपका क्या है, प्लेट बबल। कौन सा है प्लेट बबल, ये देखिए भैया प्लेट बबल ये लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, ये प्लेट बबल, किसी भी थर्डोलाइट में दो प्लेट बबल होते हैं। ठीक, एक तो जो होगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे होते हैं, यानी कि एक तो इस साइड में होगा, ठीक है, और एक इस साइड में होगा। ये देखिए ये इधर लगा हुआ है, तो एक इस आर्म के उस साइड भी होगा, जिससे कि दोनों की एक्सेस इस तरीके से जा सके, ऐसी और ऐसी। जब ये दोनों की एक्सेस जो होंगी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक हो गया, अब देखिए इसमें ये आपकी हो गई अपर प्लेट, अपर प्लेट हो गई, ये आपकी हो गई लोअर प्लेट। ठीक, लोअर प्लेट हो गई। अब देखिए इनमें जो स्क्रू होता है, ये क्लैंप स्क्रू है आपके, जो कि इनको टाइट करने के काम आते हैं। ये क्लैंप स्क्रू इसमें हो गया, ये हो गया अपर प्लेट का क्लैंप स्क्रू, ये हो गया आपका लोअर प्लेट का क्लैंप स्क्रू। इनमें, इनके अलावा दो स्क्रू और लगे होते हैं जो कि इसमें शो नहीं है। उन स्क्रू का काम ये होता है कि अगर आपको स्लोली मोशन करना हो, ठीक है, जिन्हें कहते हैं टेंजेंट स्क्रू, अगर आपको टेलीस्कोप को, अगर आपको इनके एडजस्टमेंट के लिए कुछ स्लोली मूवमेंट देना हो, तो वो स्लो जो है, स्लो स्क्रू के माध्यम से दिया जाता है, ताकि जो है इनको अच्छे से क्या किया जा सके, आपका फिट किया जा सके। अब देखिए ये है आपका ए फ्रेम, ये ए फ्रेम है, स्टैंडर्ड ए फ्रेम, जो कि ए की शेप में है। ये क्या है आपका ए ब्रैकेट,
ए ब्रैकेट या फिर ए फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक, ये जो आपकी हो गई अपर प्लेट हो गई, ये आपका बबल दिखाई दिया था मैंने, इसमें देखिए ये बबल यहाँ पर ये सेंटर में लगा हुआ है। ठीक, सेंटर में दिख रहा है लेकिन ये क्या है, उसके दूसरी तरफ साइड में लगा हुआ है, तो हमको सामने से देखने पर ये सेंटर में दिख रहा है। ठीक, ये आपकी प्लेट है। ठीक, ये स्पिंडल्स हैं इसके, ये आउटर प्लेट का स्पिंडल कौन सा है, ये वाला, और इनर प्लेट जो कि अपर प्लेट है उसका स्पिंडल कौन सा है, ये वाला। तो क्या करते हैं, जो आपका इसमें एक दे रखा है, अभी मैंने कहा था शिफ्टिंग हेड, शिफ्टिंग हेड क्या करता है, इन दोनों के स्पिंडल को कोइंसाइड करने का काम कर सकता करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक टी फ्रेम भी होता है। टी फ्रेम क्या करता है कि ये जो टेलीस्कोप और प्लेट है इनको होल्ड करने का जो काम करता है वो क्या करता है, टी फ्रेम। टी फ्रेम के अबाउट टी फ्रेम जो है इसको क्या करता है, एक लेवल पे एडजस्ट करता है, और उस टी फ्रेम के माध्यम से ही उसके एक्सिस के अबाउट ये टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्कल आपका घूमता है। ठीक, अब देखिए आपका एलिडर्ड असेंबली देख लीजिए आप, एलिडर्ड असेंबली में कौन कौन है, ये आपका देखिए एलिडर्ड असेंबली। ठीक, इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका है टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्कल, ठीक, वर्टिकल सर्कल, और ये देखिए ये आपकी बर्नियर आर्म है, और ये आपका एल्टीट्यूड क्या है, बबल, एल्टीट्यूड बबल है। ये भी आपका क्या करता है, ये जो असेंबली होती है ऊपर वाली इसको क्या करता है, हॉरिजॉन्टल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसकी जो एक्सेस होती है किसके पैरेलल होती है, ये जो इस पे बबल लगा होता है, ये जो बबल लगा हुआ है देखिए, ये और ये इनकी जो एक्सेस होती है कैसी होती है, पैरेलल एक्सेस होती है। ठीक, पैरेलल एक्सेस होती है। ठीक, देखिए, और ये वर्टिकल सर्कल, ये टेलीस्कोप, ठीक, ये आपका क्लैंप स्क्रू है। ठीक है, किसका, एल्डर्ड असेंबली का क्लैंप स्क्रू है जो कि टेलीस्कोप और बर्नियर को फिक्स करने के काम आता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें देखिए लेवलिंग हेड जो दे रखा है आपका, देखिए इसमें आपको क्लैंप स्क्रू जो इसमें नहीं दिखाई दे रहे थे, ये देखिए क्लैंप स्क्रू, और ये देखिए दो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये प्लेट लेवल है, और ये प्लेट लेवल है जो कि सेंटर में लगा हुआ है, ये आपकी जो है बर्नियर आर्म है, देखिए बर्नियर आर्म, ये आपका क्लैंप स्क्रू है। ठीक, ये आपका क्या है, वर्टिकल सर्कल है। ठीक, ये दो क्लैंप स्क्रू होते हैं, और ये आपकी लोअर प्लेट और अपर प्लेट, अपर प्लेट को आप क्या कहते हैं, बर्नियर प्लेट भी कहते हैं, इनके पार्ट्स का स्पेशल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो जो चीज़ आपको उसमें समझ में नहीं है वो इसमें आप समझ सकते हैं, ये जो होता है वर्टिकल एक्सिस पे लगा होता है प्लम्ब को लटकाने के लिए, देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके ठीक सेंटर में एक हुक लगा होता है जिसके माध्यम से इसको हम क्या कहते हैं, सेट करते हैं। ठीक, ये आपकी बर्नियर आर्म है, ये बर्नियर आर्म है जो कि इस पर क्या लगा होता है, ये साइड में इस पर क्या होते हैं, बर्नियर लगे होते हैं, इस पर क्या होता है, साइड में बर्नियर लगा होता है जो कि इस पर जो रीडिंग आती है उसको पढ़ने के काम आता है। ठीक, आगे देखिए, एक्सेस ऑफ थेडोलाइट, आप देखिए अब थेडोलाइट की एक्सेस क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इन एक्सिस को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इनको सही से पढ़िएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आप देखिए क्या है, कॉलिमेशन एक्सिस, क्या है ये, कॉलिमेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ साइट क्या होती है, ये यहाँ पर आपका एक डायफ्रेम होता है। ठीक, डायफ्रेम में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल हेयर होता है, एक वर्टिकल हेयर होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो जो लाइन ऑफ साइट होती है वो क्या करती है, इसके सेंटर से होके यहाँ से होके गुजरती है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ साइट और कॉलिमेशन एक्सिस। दूसरी देखिए, ये जो आपकी है, ये आपकी है वर्टिकल एक्सिस, क्या है, वर्टिकल एक्सिस, ये जो है आपकी एलिडर्ड एक्सिस भी बोली जाती है, एच जो हो गई
हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड टेलीस्कोप रोटेटरी एक्सिस। ये जो आपकी है टेलीस्कोप की रोटेटरी एक्सिस है, जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करता है आपका, घूमता है, ठीक, 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। यानी कि हम आई पीस को, ये आपका क्या है, आई पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके माध्यम से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप को आई पीस से इसको हम यहाँ तक घुमा सकते हैं और इसको यहाँ पर ला सकते हैं। कहने का मतलब है आई पीस ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव आई पीस की जगह ला सकते हैं, जगह पे घुमा के ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप बन जाएगा, ठीक। ये जो आपकी हो गई लेवल एक्सिस, ये आपकी हो गई लेवल एक्सिस। अब देखिए ये जो लेवल एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके अबाउट टेलीस्कोप घूम रहा है, उसके क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक, उसके पैरेलल होती है ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये कम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और किसके परपेंडिकुलर होगी, आपकी लेवल एक्सिस के, लेवल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जो यहाँ पर बबल था, कौन सा, एल्टीट्यूड बबल, उसके भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये जो बबल होता है लेवल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। आगे देखिए, फंडामेंटल लाइंस ऑफ थर्डोलाइट देख लीजिए, फंडामेंटल लाइंस क्या है। अब देखिए फंडामेंटल लाइंस जो है आपकी, देखिए ये आपका, अभी आपने देखा कि ये आपका बबल है, क्या है, बबल, बबल लेवल है। बबल लेवल क्या होता है, ये आपका ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, इसमें एक बबल होता है जो कि सेंटर में, एयर बबल होता है जो कि सेंटर में आ जाता है। जब ये सेंटर में आ जाता है तो इसके सेंटर से टेंजेंट हम एक लाइन खींचते हैं जो कि ये सेंटर के पैरेलल होती है। तो ये लाइन जो होती है इसके टेंजेंट होती है, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक। तो ये वही लाइन है, ये आपकी अल्टीट्यूड लाइन है जो कि ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल पे लगा होता है, वर्टिकल सर्कल पे ये लाइन, ये अल्टीट्यूड लेवल कहाँ लगा होता है आपका, वर्टिकल सर्कल पे लगा होता है। तो वर्टिकल सर्कल पर ये ऐसा एक लेवल लगा होता है, अल्टीट्यूड लेवल, ठीक। तो ये जितने भी लेवल लगे हुए हैं वो उनकी लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी, वर्टिकल लेवल और आपकी प्लेट लेवल, दोनों की लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और किसके पैरेलल होंगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट के, ठीक। परपेंडिकुलर किसके होंगे, ये टर्नन एक्सिस है, टर्नन एक्सिस को हमने क्या किया, कई बार टर्नन एक्सिस को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक। ये किसके परपेंडिकुलर होगी, वर्टिकल एक्सिस के, ये रिलेशन आपका कई बार पूछा गया है। देखिए अब लाइन ऑफ साइट देखिए, इसमें लाइन ऑफ साइट मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो लाइन ऑफ साइट होती है ये आपका है टेलीस्कोप, ठीक है, ये आपका टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है, यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम में एक हॉरिजॉन्टल हेयर एक वर्टिकल हेयर होता है, इसका एक सेंटर होता है, ये सेंटर होता है इसका। जब ये सेंटर होगा तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ से निकलने वाली लाइन जब यहाँ की इसके सेंटर से होके जाती है, ठीक, तो ये क्या होती है आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक, लाइन ऑफ साइट होती है, और क्या होती है इसको लाइन ऑफ साइट, और ये लाइन ऑफ साइट जो है कैसी होती है, जो आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है उसके कोइंसाइड होते हैं। यानी कि जो टेलीस्कोप की एक्सिस होगी और जो लाइन ऑफ साइट होगी वो क्या होंगी, कोइंसाइड लाइंस होंगी, यानी कि एक ही लाइंस होंगी, ठीक है। अब देखिए ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइन ऑफ साइट, अब आप टेलीस्कोप लाइन देखिए, टेलीस्कोप लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास टू द सेंटर ऑफ द आईपीस। यानी कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव, ये आपका आईपीस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इनके सेंटर से जो लाइन जाएगी वो कौन सी होगी आपकी,
वो कौन सी लाइन होगी? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगी। इसमें जो लेंस यूज किए जाते हैं टेलीस्कोप में, ये टेलीस्कोप में कौन से लेंस यूज किए जाते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखिए, ये आप देखिए वर्टिकल सर्कल जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। वर्टिकल सर्कल क्या होता है? मूव्स विद टेलीस्कोप। ये क्या करेगा? टेलीस्कोप के साथ में मूव्स करेगा। क्या करेगा? मूव्स करेगा विद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के साथ मूव करेगा। और दूसरा क्या होगा? इस पे जो रीडिंग होती है, ठीक, कितनी होती है? 0 से 90 और 0 से 360। किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें रीडिंग होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे क्या होती है? रीडिंग होती है। अब आप देख लीजिए, इसमें ये जो आपका दिख रहा है, ये क्या है? इसमें इंडेक्स फ्रेम। ये क्या है आपका? इंडेक्स फ्रेम है। इंडेक्स फ्रेम इसको क्या कहते हैं? टी फ्रेम भी कहते हैं, ठीक, टी फ्रेम कहते हैं। ये कैसा होता है? देखिए, इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा फ्रेम होता है, यहाँ पर इसमें बर्नियर लगे होते हैं और ये ऐसा होता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल आर्म हो गई, ये आपकी वर्टिकल आर्म हो गई, ठीक। अब क्या करते हैं, वर्टिकल आर्म का क्या काम होता है? वर्टिकल आर्म जो होती है इस टेलीस्कोप को एक डिजायर्ड लेवल पर सेट करने के काम आती है। सपोज किसी डिजायर्ड हाइट पे आपको इसको सेट करना है, तो आपने उस हाइट पे उसको क्या कर दिया? सेट कर दिया, ठीक। तो ये क्या करती है? डिजायर्ड लेवल पे सेट करने के काम आती है। और हॉरिजॉन्टल आर्म का क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल आर्म पे आपके ये दो बर्नियर होते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये क्या करते हैं आप, इसको क्या करते हैं, दोनों को रीडिंग पढ़ने के काम आते हैं। इसमें क्या होता है? बर्नियर रीडिंग होती है जो कि हमें पढ़ने में सहायता देती है। ये सामने से थोड़ा खुला होता है, जब आप इधर से देखेंगे इसको तो इस साइड से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रीडिंग आई है आपकी, वो बर्नियर रीडिंग पढ़ने में हेल्प करता है। आगे देखिए, और ये स्टैंडर्ड तो आप पढ़ ही चुके होंगे। देखिए, ये है आपका, ये जो स्टैंडर्ड ए फ्रेम होता है, ठीक, ये क्या करता है आपका टेलीस्कोप को क्या करता है? रोटेट करवाता है। किसके अबाउट? ये जो आपकी एक्सिस है, कौन सी? वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये जो है ए फ्रेम टेलीस्कोप को रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक। अब देखिए, इसमें एक और है अपर प्लेट। ये आप अपर प्लेट ये देखिए, ये अपर प्लेट का काम क्या होता है? ये है आपका अपर प्लेट। अपर प्लेट को हम क्या कहते हैं? बर्नियर प्लेट भी कहते हैं। अपर प्लेट को क्या कहते हैं? बर्नियर प्लेट। भैया, ये है आपकी अपर प्लेट, देखिए ये अपर प्लेट है। अपर प्लेट में अपर क्लैंप स्क्रू लगा हुआ है, ठीक। अपर प्लेट के ऊपर ही आपका ये क्या है? बबल लेवल है, ठीक। ये सब किसके ऊपर लगे हुए हैं? अपर प्लेट के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक। इसके ऊपर जो है आपके दो बबल लेवल हैं, ये आपका एक यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि दो बर्नियर होते हैं, ठीक। दोनों जो है, दोनों क्या करते हैं? दोनों 180 पे सेट होते हैं, एक ए और बी। दोनों की रीडिंग में डिफरेंस कितना आएगा? 180 का डिफरेंस आएगा। ये किस पे होता है? 0 पे सेट होता है। ये किस पे होता है? 180 पे सेट होता है जब कोई रीडिंग नहीं ली जाती है, ठीक है। ये किस पे होंगे? 0 डिग्री पर ए बर्नियर, और बी किस पे होगा? 180 पे होगा। जब भी हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो दोनों का एवरेज लेते हैं। इससे क्या होता है? हमारी एरर कम हो जाती है। जब भी रीडिंग लेंगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसके अकॉर्डिंग इनकी रीडिंग ली जाती है।
ये जो 180 हम बता रहे हैं ये आपका किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका लोअर प्लेट, जो लोअर प्लेट होती है उस पर रीडिंग कितनी होती है, 0 से 360। तो ये सेटिंग कैसे होती है कि जो 0 होगा वहाँ पर क्या होगा, ए बर्नियर लगा होगा, और जो 180 होगा ग्रेजुएशन मेन प्लेट पे, यानी कि लोअर प्लेट पे जो ग्रेजुएशन 180 होगा वहाँ पर क्या लगा होगा, बी वाला बर्नियर लगा होगा। ठीक, तो इन दोनों की रीडिंग में डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा इन दोनों की रीडिंग में डिफरेंस आएगा आपका 180। अब देखिए लोअर प्लेट देख लीजिए आप, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये आपकी है लोअर प्लेट। ठीक, लोअर प्लेट। अब लोअर प्लेट का क्या काम है देख लीजिए, जो भी आपका बर्नियर, जो भी आपका थर्डोलाइट होता है वो किसके अकॉर्डिंग पहचाना जाता है, लोअर प्लेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लोअर प्लेट के अकॉर्डिंग ही पहचाना जाता है 8 से 12 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है। मेन स्केल इसी में होता है, कौन सा मेन स्केल होता है, 0 से 360 इसका, 0 से 360। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये मैंने ये देखिए, ये जो क्लैंप स्क्रू है ये वाले, ये आप देखिए, ये दोनों कहने का मतलब, आप देखिएगा ध्यान से, अगर आपका लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू दो होते हैं, इसमें से अगर आपका लोअर क्लैंप स्क्रू जो है, ठीक है, इज लूज, अगर लोअर क्लैंप स्क्रू आपका लूज कर दिया जाए एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज टाइट, लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज कर दिया जाए, कहने का मतलब है ये जो क्लैंप स्क्रू है, कौन सा लोअर वाला, अगर ये टाइट कर दिया जाए और अपर वाला क्या कर दिया जाए, लूज कर दिया जाए, तो बोथ प्लेट कैन रोटेट टुगेदर, तो दोनों प्लेट क्या करती हैं, एक बार एक साथ रोटेट करती हैं। ठीक, उसी हिसाब से अगर लोअर क्लैंप स्क्रू, ठीक है, आपका टाइट कर दिया जाए एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंट, देन ओनली अपर प्लेट इज मूवेबल। अगर आपका लोअर क्लैंप स्क्रू क्या कर दिया जाए, टाइट कर दिया जाए, ठीक, और अपर क्लैंप स्क्रू को लूज कर दिया जाए, तो सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ ऊपर वाली प्लेट का ही मूवमेंट होगा विद ट्राई ब्रेज। ट्राई ब्रेज के साथ किसका मूवमेंट होगा, ठीक है, जो साइज है आपका किसके अकॉर्डिंग असाइंड होगा, आपका साइज जो है, जो भी लोअर प्लेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका साइज असाइंड होगा। अब देखिए इसमें लेवलिंग हेड फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग हेड भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो आप थोड़ा सा आगे देखिए, ये है आपका प्लेट बबल। प्लेट बबल देख लीजिए आप क्या होता है, होता क्या है, ये आपका जो प्लेट बबल, ये जो आपका है, ये क्या है, लेवल लाइन, प्लेट बबल। प्लेट बबल में होता क्या है, ये एक्चुअली सेंटर में एक एयर टाइप में आ जाती है, ठीक, एयर टाइप में आ जाती है, तो ये बबल थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड हो जाता है ऐसा, इसको यहाँ से ये जो एक्सिस है इसको मिला देते हैं। प्लेट लेवल कैरिड बाई अपर प्लेट विच आर राइट एंगल विद ईच अदर, इसमें क्या होता है कि दो आपकी लेवल प्लेट होती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी है अपर प्लेट, यहाँ पर क्या होता है, दो लेवल होती है, दोनों में जो ये लाइन जो होती है, ठीक है, लेवल लाइन, वो क्या होती है, 180 डिग्री, इसमें से एक लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करता है, घूमता है। और देख लीजिए इसमें क्या है कि जो लेवल लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, क्या करेगी, पैरेलल होगी किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के, ठीक, आगे देख लीजिए इसमें फंडामेंटल लाइंस ऑफ थर्डोलाइट, देखिए
ये देखिए, ये आपकी कुछ फंडामेंटल लाइंस हैं, इनको बहुत सही से पढ़िएगा, इनसे काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये आपकी है लाइन ऑफ साइट, ठीक, लाइन ऑफ साइट है ये, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी इसको कहते हैं, और दूसरी बात टेलीस्कोप एक्सेस, ये जो है आपकी टेलीस्कोप एक्सेस भी है, ठीक। ये आपकी है एक्सेस ऑफ बबल, जो कि किसके पैरेलल है, लाइन ऑफ साइट और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के पैरेलल है, परपेंडिकुलर किसके है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक। ये आपका है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये आपका एल्टीट्यूड लेवल लगा हुआ है, ठीक, ये आपका क्या लगा हुआ है, एल्टीट्यूड लेवल लगा हुआ है। ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, आपकी एक जो बबल यहाँ पर लगा होगा, बबल लगा होगा उसके क्या होगी, पैरेलल होगी, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये इसकी वर्किंग कंडीशन है, जब टेलीस्कोप, जब थर्डोलाइट आपका वर्किंग कंडीशन में होगा तो आपको ये क्या करना है, ये सारी लाइंस इसी तरीके से होनी चाहिए। देखिए, ठीक, अब इसमें से एक टर्म और हैं, कुछ टर्म्स हैं, आप वो देख लीजिए, ट्रांजिस्टिंग ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, ट्रांजिस्टिंग और प्लंगिंग एंड रिवर्सिंग। ट्रांजिस्टिंग, प्लंगिंग एंड रिवर्सिंग में क्या होता है कि टेलीस्कोप को क्या करते हैं, 180 सपोज यहाँ पर है, ठीक, ये जो है आपका टोटली 180 घूम जाता है। कहने का मतलब ये जो आपका आईपीस है, आईपीस आपका पहुँच जाता है ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव पहुँच जाता है आपका आईपीस पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री, जब हम वर्टिकल में इसको रोटेट करवा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिस्टिंग कहलाएगा, ट्रांजिस्टिंग प्लंगिंग एंड रिवर्सिंग कहलाएगा, ठीक। अब स्विंगिंग देख लीजिए, यहीं पर स्विंगिंग में क्या होता है कि ये जो टेलीस्कोप है, ठीक, ये टेलीस्कोप है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं, इसके ऊपर जो ए फ्रेम लगा होता है उसको हम इस तरीके से घुमा देते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा देते हैं, ठीक। कैसे घुमा देते हैं, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, इसमें दो टाइप के स्विंग होते हैं, एक राइट राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है। तो जो हम टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जब रोटेट करते हैं, ठीक, कैसे, क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा कैसा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब आगे देखिए, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन, जब फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होता है तो कंडीशन कैसी होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। जब फेस राइट ऑब्जर्वेशन होता है तो कंडीशन कैसी होती है, इन्वर्टेड कंडीशन होती है। देखिए, जब फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होता है तो जो वर्टिकल सर्कल है हमारा किस तरह होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और जब फेस राइट ऑब्जर्वेशन होता है तो सर्कल हमारा किधर होता है, राइट डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल सर्कल हमारी राइट हैंड पे होता है, ठीक। तो इस टाइम क्या होता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कंडीशन भी कहते हैं। इन्वर्टेड कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो आपका वर्नियर है, जो आपका अल्टीट्यूड लेवल है, वो भी क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कंडीशन कहेंगे। अब देखिए, टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, सॉरी, फंडामेंटल लाइंस ऑफ थर्ड लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसको देख लीजिए क्या आता है, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट में आपका ये आपकी फंडामेंटल लाइंस हैं, ठीक है, जब हम वर्किंग करते हैं फुली तो इनको भी एडजस्ट करते हैं। तो परमानेंट एडजस्टमेंट में आपका होता क्या है, पहला क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल होती है, इनको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, कि ये जो है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कौन सी, एक्सिस ऑफ बबल,
एक्सिस ऑफ बबल परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा किसी माध्यम से। ठीक, सेकेंड क्या है कि कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, कॉलिमेशन एडजस्टमेंट करते हैं। कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, कॉलिमेशन एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है, ठीक है, कोइंसाइड करती है किसके साथ, टेलीस्कोप एक्सिस के साथ। ठीक है, आपकी टेलीस्कोप एक्सिस के साथ ये क्या करती है, कोइंसाइड करती है। थर्ड आप देख लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड प्लेट लेवल। टेलीस्कोप लेवल ये जो आपका है टेलीस्कोप लेवल और ये प्लेट लेवल है, इसको एडजस्ट करेंगे। क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड लेवल एंड प्लेट लेवल। क्या करेंगे इसको हम, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। देखिए एल्टीट्यूड लेवल पैरेलल लाइन ऑफ ये जो लाइन आपके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये एल्टीट्यूड लेवल जो है किसके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा आपका मिस्टेक हो गया है, एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड लेवल ये क्या होनी चाहिए, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। ये जो आपकी लाइन है इसके साथ क्या होनी चाहिए, एल्टीट्यूड लेवल पैरेलल होनी चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी कि इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और दूसरा है आपका, लास्ट है आपका वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो आपका बर्नियर है, वर्टिकल सर्कल बर्नियर है, मस्ट रीड जीरो व्हेन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल। जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो वर्टिकल सर्कल पे रीडिंग क्या होनी चाहिए, जीरो रीडिंग होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देख लीजिए, टेम्पररी एडजस्टमेंट आप कैसे करते हैं इसका। टेम्पररी एडजस्टमेंट में आपका देखिए, सेटअप करेंगे, ठीक, लेवलिंग करेंगे और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स करेंगे। टेम्पररी एडजस्टमेंट में हम क्या क्या करेंगे, सेंटरिंग द थर्डोलाइट ओवर द ग्राउंड मार्क, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राईपॉड। ठीक, अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करेंगे या फिर ग्राउंड मार्क पे इसको सेटल करेंगे। ग्राउंड मार्क पे सेटल करने के लिए दो प्रोसेस अपनाते हैं, प्लम बॉब, ठीक है, प्लम बॉब और ऑप्टिकल प्लमेट। जब हमारा वेदर खराब होता है या फिर विंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल ये प्लम बॉब का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, ये आपका इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए ये आपका एक्चुअल पोजीशन में और हवा चल रही है, तो कहीं ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं मिल पाएगी। ऑप्टिकल प्लमेट क्या होता है, ऑप्टिकल प्लमेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कोई रोशनी डालते हैं तो इसमें एक मिरर लगा होता है, जब यहाँ से आप रोशनी डालेंगे तो ये एग्जैक्ट स्टेशन के सेंटर पे को पॉइंट करता है, और आप यहाँ से देख के उसको क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अब देखिए लेवलिंग ऑफ द थर्डोलाइट, लेवलिंग कर कैसे करते हैं, लेवलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग बबल्स का यूज करते हैं। लेवलिंग बबल्स के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक, फोकसिंग दी आईपीस लेंस, आईपीस को फोकस करके, और फोकसिंग दी ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करके। इसमें क्या करते हैं, देखिए पैरेलैक्स, पैरेलैक्स मतलब क्या होता है कि इसमें आपको चीज़ें जो है धुंधली दिखाई देती हैं। फोकसिंग दी आईपीस में क्या होता है कि जो क्रॉस हेयर होते हैं वो आपको सही से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव लेंस में आपको फोकसिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देता है।
इसमें क्रॉस हेयर सही से नहीं दिखाई देते आई पीस में, तो इसमें क्या करते हैं लेंस का आगे पीछे एडजस्टमेंट करते हैं कि इसमें दोनों ही में हम क्या करते हैं लेंसेस का मूवमेंट कराते हैं आगे पीछे, जिसके माध्यम से हमको क्रॉस हेयर्स एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सही दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए आगे, इसमें देखिए स्विंग, स्विंग आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें समझ लीजिए। देखिए आप स्विंग में होता क्या है कि ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है कोई, ये आपका वर्टिकल सर्कल है। तो स्विंग में क्या है ट्रांजिस्टर में क्या करते थे टेलीस्कोप को हम कैसे घुमाते थे वर्टिकल में घुमाते थे, ठीक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। लेकिन इसमें क्या करेंगे स्विंग में क्या करेंगे द स्विंग मे बी इन लेफ्ट, लेफ्ट में जब घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज करके, लेफ्ट में इसे ले जाने के लिए क्या करेंगे एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, और राइट में करने के लिए क्या करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक। तो ये क्या है जब हम इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा लेफ्ट स्विंग होगा, और जब हम राइट यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये क्या होगा हमारा राइट स्विंग होगा, ठीक। तो स्विंग हम किस में करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक। ये आप देखिए मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स का कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसमें तीन मेथड आपके यूज किए गए हैं ऑर्डिनरी मेथड आपका रिपीटिशन मेथड, ठीक, और तीसरा है आपका राइटरेशन मेथड। फ्रेंड्स लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये जो दो मेथड मैंने बताए परमानेंट एडजस्टमेंट आपका टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट और मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ये अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो इनको कंप्लीट कराने के लिए इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है इनको ब्रॉड देखने के लिए वो लेक्चर फॉलो कीजिए, ठीक। ये देखिए इसमें मैं आपको हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, ऑर्डिनरी मेथड में क्या होता है कि बहुत ही रफ मेथड होता है, एक पॉइंट पर सेट करके रीडिंग लेते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे पॉइंट पर सेट करके रीडिंग करते हैं और एवरेज निकाल के हम क्या करते हैं उनकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत ही एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन रिपीटिशन मेथड जो होता है हमारा बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही एंगल की सिक्स टाइम्स यानी कि एक बार यहाँ पर सेट करके इधर रीडिंग ली, फिर यहाँ पर सेट करके ये एक स्टेशन ए हो गया एक स्टेशन बी हो गया, यहाँ पर हमने सेट करके ए पर रीडिंग ली, फिर क्या किया हमने बी को साइड किया, ठीक, फिर हमने बी पे सेट किया फिर ए को साइड किया, इस तरह से हम कितनी टोटल थ्री थ्री रीडिंग लेते हैं, थ्री फेस लेफ्ट में फेस लेफ्ट रीडिंग और थ्री फेस राइट रीडिंग, और तीनों को क्या करते हैं बारी बारी से सबको ऐड कर देते हैं कॉन्सिक्यूटिवली ऐड कर देते हैं, जितनी बार हमने रीडिंग ली यानी सिक्स टाइम रीडिंग ली उसका क्या करते हैं डिवाइड ले लेते हैं और एवरेज एंगल निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है हमारा जो भी एरर आई होगी वो हमारा क्या हो जाता है इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है रिपीटिशन मेथड। रिट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ही स्टेशन में खड़े होकर ये पॉइंट्स हैं इनको क्या करते हैं फॉलो करते हैं देखते हैं ऐसे, ठीक, ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया ये ई हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं एक ही पॉइंट से हम सेवरल रीडिंग लेते हैं और लास्ट वाला एंगल जो है इसकी एक एक्स्ट्रा रीडिंग लेते हैं, ठीक, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। तो ये सेकंड वाला जो है लेस टीडियस है एंड एक्यूरेट है किससे पहले वाले से बट लेस एक्यूरेट है रिपीटिशन मेथड से। तो इसको एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसमें बस इतना ही, ठीक है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।